अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो सूट हॉल, जिसमें मैं अपने सूट तो शेयर करूंगी ही, साथ में आलिया की भी कुछ ड्रेस हैं जो मैं शेयर करूंगी। तो आज मामा बेटी का जो सूट मतलब ड्रेस हॉल है, तो ये दोनों मिक्स रहेगा। तो आप लोगों को मीशो के बारे में पता ही है कि मीशो एक रीसेलर ऐप है, भारत का पहला नंबर वन रीसेलर ऐप है, जिसके साथ हम जैसे हाउसवाइफ घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं बिना इन्वेस्ट किए। तो फिर देर किस बात की, आप भी मीशो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके साथ बिजनेस करिए बिना इन्वेस्ट किए। और अगर आपको ऑर्डर करना नहीं आता है तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मीशो के साथ आप किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं, और हाँ अगर रीसेल कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपना मार्जिन उसमें जोड़ेंगे, तो वो भी मैं बता रही हूँ। तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको अपने सूट और ना आलिया के। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मीशो ऐप का लिंक है वहाँ पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको जब ओपन करोगे उसको तो यहाँ पे देख लीजिए सभी तरह की आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएंगी और सभी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। बच्चों के कपड़े, लहंगे, सूट, घर का सामान, सारी कैटेगरी की यहाँ पे सामान मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ चूज़ करेंगे और इसको हम ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर कैसे करते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये लहंगा मैंने पसंद किया है, इसको हम जो है ऐड टू कार्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें यहाँ देख लीजिए सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी, पेटीएम। तो बस यहाँ पे हम अपना अमाउंट डाल देंगे। अगर हम इसको किसी को रीसेल कर रहे हैं तो इसमें हम अपना मार्जिन जोड़ देंगे, और अगर हम खुद के लिए डाल रहे हैं तो हम वही रेट होगी वही डालेंगे। तो यहाँ मैंने 100 रुपये बढ़ाए हैं, और अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो अपना पता डालेंगे, अगर किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसका पता डालेंगे और बस ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो देख लिया आपने किस तरीके से करना है ऑर्डर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आगे की। तो यहाँ पे मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, ये बिना दुपट्टे वाले सूट हैं, दुपट्टा नहीं है इसमें। तो ये है प्लाजो इसका, आगे बेल्ट है इस तरीके का, मतलब नाड़ा डाला हुआ है, और पीछे से जो है ना इसमें इलास्टिक दी है, और कलर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके नीचे का मैं डिज़ाइन दिखाऊँ तो इस तरीके का है ये, इसको हम प्लाजो नहीं बोलेंगे, पैंट बोलेंगे, मेरे नीचे तो देखा ही नहीं तो ये पैंट है, क्योंकि इसमें घेर नहीं है, सलवार जैसा है, पैंट है ये, क्योंकि इसका जो ऊपर का है ना वो फ्रॉक जैसा है। तो ये डिज़ाइन दिया है क्योंकि इसके कुर्ती में इस तरीके का ही डिज़ाइन है, तो वो दिया है दोनों पैरों में, गोटे का काम हो रहा है इसमें, ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसकी कुर्ती, जो कि बड़ी प्यारी है, ये देख लीजिए गले पे भी काम हो रहा है इसके, और स्लीव्स पर भी है, ये देख लीजिए स्लीव्स पे डिज़ाइन है, और गोटे का काम जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सभी को अच्छा लगता है, हर लेडीज़ को गोटे का काम जो है ना अच्छा लगता हुआ। तो मैंने बोला था ना ये फ्रॉक टाइप है, थोड़ा सा इसमें फ्रॉक कट दिया है और ये भी, तो यहाँ भी जो है ना गोटा दिया है, दो लाइनिंग यहाँ पर लगाई गई हैं, ये देखिए, और घेर है, अच्छा है घेर, मतलब जैसे कुर्तियाँ होती हैं ना थोड़ी सी, और ये भी उस तरीके का इसमें घेर दिया है, जो कि पहनने पे जो है ना बड़ा प्यारा लग रहा है। तो आप साइड में जो है ना इसका ट्राई ऑन देख सकते हैं, और पीछे से बिल्कुल प्लेन है। तो ये हो गया मेरा पहला सूट, तो ये रहा मेरा दूसरा सूट, तो ये है प्रिंटेड, ये देख लीजिए फुल प्रिंटेड है, प्लाजो कहेंगे तो ज़्यादा घेर नहीं है, पेंट कहेंगे तो थोड़ा और तकड़ा होना चाहिए, तो ये कुछ भी है कम घेर वाला प्लाजो है ना। तो ये हो गया, इसमें दोनों साइड इलास्टिक है, और इसका जो प्रिंट है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये है इसका कुर्ता, ये इसका गला थोड़ा सा खुला हुआ है यहाँ से, और इसमें कुछ दिया नहीं है हुक वगैरह लगाने के लिए, ऐसे ही डिजाइन के तौर पे खुला हुआ है। ये इसकी स्लीव्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसका ट्राई ऑन आपको साइड में दिख जाएगा कि ये कैसा लग रहा है, और ये वाला जो कलर है ना अच्छा लगता है, और इसको हम गोल्ड दुपट्टे के साथ या पिंक कोई सी दुपट्टे के साथ ले सकते हैं, मैं ज़्यादातर तो इस पर गोल्ड चलेगा, जो कि मैंने मंगा कर रखा है। तो ये हो गया मेरा दूसरा सूट,
और आप लोग बताना आपको कैसा लगा है ये। तो अब मैं बताती हूँ आपको तीसरा सूट, और इस वाले सूट की पता है मैं हर बार सोचती हूँ कि मंगा लूँ, लेकिन फिर मैं छोड़ देती हूँ। चलो छोड़ो, इस बार मैंने सोचा चलो मंगा ही लेते हैं, देख लेते हैं कैसा लगता है, कैसा है। तो यहाँ पे जो है ना ये सूट है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, प्यारा सा ये स्लीव्स, और यहाँ पे जो है ना गोटे का काम किया हुआ है, हल्का सा किनारी लगाई हुई है, लाइन दोनों ही स्लीव्स पर है, और गोल गला है, यहाँ पे तीन बटन लगे हुए हैं, और इसका जो मेन है ना डिज़ाइन ये नीचे है, ये देख लीजिए, हल्का सा जो है ना फ्रॉक लुक में दिया है, लेकिन आगे से जो है ना ये ओपन है, ये मतलब दोनों साइड से बीच में से मतलब कट आएगा, आप देख लीजिए साइड में किस तरीके से लग रहा है। हर बार जो है ना मैं इस कट के वजह से छोड़ देती थी, मैं सोचती थी पता नहीं कैसा लगेगा, फिर मैंने कहा इस बार मंगा ही लेती हूँ, नहीं पसंद आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगी, तो फिर मैंने मंगा ही लिया काफी टाइम से मैं छोड़ रही थी सूट को, बहुत टाइम से। तो ये यहाँ पर भी जिस तरीके से स्लीव्स में दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे गोटे की ये लाइनिंग दी गई है, जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। और इस तरह के कपड़े ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा आरामदायक रहते हैं, और हम कहीं पहन कर भी जा सकते हैं इनको, सफ़र में या कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, सिंपल सोवर और स्टाइलिश भी तो ये एक तरह का स्टाइलिश लुक देगा। और इसको जो है ना हम जींस के साथ भी पहन सकते हैं, और अगर आप जींस के साथ नहीं पहनना चाहते तो इसका इसके साथ जो है ना ये प्लाजो भी दिया है, आगे से बेल्ट है लेकिन पीछे से इसमें इलास्टिक दी गई है, और घेर भी जो है ना अच्छा खासा दिया है इसमें प्लाजो के हिसाब से ही। और इसमें भी जो है ना दो तीन कलर हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी कलर मंगा सकते हैं, मुझे ये कलर अच्छा लगा रानी कलर, तो मैंने ये मंगा लिया, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, लेकिन मैं शायद इसको जींस के साथ वेयर करूँ क्योंकि मुझे जींस के साथ कुर्ते पहनना अच्छा लगता है। तो ये हो गई मेरी ड्रेस है तीन। अब मैं दिखाती हूँ आलिया के, तो ये है आलिया की एक टॉप जो कि मैंने मंगाई है, और ये आपने देखा होगा जब मैं आई थी उसी दिन उसने पहनी थी, सीफोन कपड़े में है, सीफोन जॉर्जेट है ये, और यहाँ से जो है ना ये थोड़ा सा नेट का काम किया गया है ऊपर, और ये यहाँ पर प्लेट्स दी गई हैं, और फ्रॉक टाइप है थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, जींस वगैरह पे लेगी पे पहना दो लड़कियों को बच्चों को तो अच्छी लगती हैं, और स्लिप्स नहीं है इनमें, और जो मैंने बिना स्लिप्स के दिखाए तो स्लिप्स उनमें है नहीं, ये नहीं कि साथ में आई हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक बटन दिया गया है जो कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और मैंने मंगाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं छोटी आएगी क्या, क्योंकि ऊपर से ऐसी लग रही है ना कम जैसी, लेकिन नहीं, आलिया के बिल्कुल सही आई है। मैं पहना के देख रही थी तो फिर मैं सोच रही थी अगर आलिया की नहीं आएगी तो इनाया के तो आ जाएगी, लेकिन नहीं, आलिया के बिल्कुल सही आई है, क्योंकि यहाँ से तो ना ढीली है ना, तो ये कंधी तो वैसे भी बच्चों की कम होती है, तो इसलिए ये कम दिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी, छोटी नहीं है, अच्छी खासी सही है। आपने देखा भी है वीडियो में कैसी लग रही है। और अब मैं दिखाती हूँ दूसरी, जो कि कॉम्बो सेट है, और ये ड्रेस भी उसने वहीं पर पहनी थी मुरैने में, तो ये एक फ्रॉक है, ये देख लीजिए इस तरीके से, इसका घेर जो है ना इस तरीके का है, ये इसके कॉर्नर इस तरीके से कोने लटके हुए हैं, तिकोने तिकोने, तो इस तरीके से है। ऊपर से ये जैकेट जैसा डिजाइन दिया गया है, और ये मोतियों का काम है, हाथ से लगाए हुए मोती हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे थे, और जो है ना ये ड्रेस भी आलिया ने पहनी थी वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये ड्रेस उसने वहीं पर पहनी है। और इसी के जो कॉम्बो सेट है वो दूसरी ड्रेस है, वो भी दिखाती हूँ, तो उसका भी जो कलर है ना सेम, मतलब पिंक पिंक ही है दोनों का, अगर मंगाएं तो दूसरा कलर भी आ रहा है, तो ये देख लीजिए, ये इस तरीके की ड्रेस है, वन पीस इस तरीके का आता है ना ऐसी है, और इसमें शायद पॉकेट है क्या, मुझे ऐसा लगा इसमें पॉकेट नहीं है, और इसके साथ भी बेल्ट था, तो दोनों लड़कियों ने ऐसा किया है, उसने अपना वो फेंक दिया और इनने अपना बेल्ट फेंक दिया, तो इसमें बेल्ट दिया था एक पतला सा, ये इसमें लगी है बेल्ट की लगाने के लिए, तो उसमें बेल्ट था एक पतला सा, तो अच्छा लग रहा था, लेकिन पता नहीं बच्चे तो ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ अगर लगा हो तो ड्रेस के साथ वो फेंक देते अगर वो अलग से दिख रहा हो तो। तो ये है, और इसमें पीछे जिप दी गई है पूरी यहाँ तक है, ये इतनी बड़ी जिप है, ये यहाँ तक खुलती है पूरी,
यहाँ तक, तो ये है, और इसके ऊपर से ये एक जैकेट है, ये इस तरीके से कॉलर वाली शर्ट जैसी, जो कि मतलब ये बिना स्लिप्स किए तो ऐसे भी पहना सकते हैं अगर चाहें स्लिप्स वाले, तो इसको ऊपर से पहना दें ये इस तरीके से। और ये भी आलिया ने पहनी थी तो आपने देखी होगी वीडियो में। तो ये थी आलिया की ड्रेस और मेरी, तो आप लोगों को कौन सी पसंद आई है तो आप लोग ज़रूर बताना, और अगर आपको पसंद आए तो आप भी परचेस कर लेना। तो इन सभी के जो कोड है मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाकर आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आए तो ले भी लेना, तो और मीशो ऐप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।